नमस्ते, मेरा नाम है सुप्रिया। देखिए, मैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी फिर दोबारा मैं आपको बना रही हूँ। इसको तेलुगु में गोंगरो बोलते हैं और हिंदी में मेस्ता बोलते हैं। और ये आंध्र का बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। बहुत लोग दाल में खाते हैं, दाल में डालते हैं इसको, फ्राई करते हैं। तो मैं आज आपको इसकी चटनी बताती हूँ। ये देखिए, अदरक लिए हैं, थोड़ा सा मोटा लिया मैंने, इतने सारे लिए। सबसे पहले हमें देखो इतना अदरक चाहिए और इतना लहसुन चाहिए। तो मैं ये दोनों को दरदरा कूट लेती हूँ, ज़्यादा नहीं कूटना, दरदरा कूटना है हमने। हमें हरी मिर्च चाहिए, ऑन कर दिया है। देखिए, लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने जीरा और राई डाल रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा डाल रहा है हमने। और उसके बाद ये है चने की दाल और उड़द की दाल। चटक जाने चाहिए ये। मैं चटनी बना रही हूँ, बहुत ही अच्छी रहेगी। प्याज डाला मैंने, करी पत्ता और हरी मिर्च 10-15 डलेगी। हमें तो सबको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद हमारा अदरक और लहसुन, ये देखिए मैंने दरदरा पीसा हुआ था ना, दरदरा मैंने कूटा था, ये इसको ऐसे डाल देना है। रेसिपी देखने से ही बनता है आपको। आपके लिए मैं कितना मेहनत करती हूँ कि आपको एक अच्छी से अच्छी डिश दिखाने की मैं कोशिश करूँ और दिल से बनाती हूँ मैं आपके लिए। फ्राई हो गया, ऐसे फ्राई हो जाना चाहिए, आपको देखिए। और ये मैंने दरदरा भी रखा हुआ है, ये फ्लेवर अंदर जाएगा मुँह के अंदर तो बहुत ही टेस्ट रहता है हमारा। मैं टमाटर छोड़ रही हूँ, प्याज को ऊपर कर दूंगी मैं। बहुत ही मेहनत करती हूँ इसमें। थोड़ा सा हल्दी, हल्दी डाल रही हूँ, नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, आप देख लेना। मैंने 3 चम्मच लग जाएंगे मेरे, छोटा वाला है। देखिए, घर का लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं, तो इसमें 3 तो बनता ही है। आपको मैं धीरे से आपको मिक्स करना दिखाती हूँ, तो कितना बढ़िया लग रहा है। फ्रेंड्स, अभी अभी कभी भी आप खाना बनाए ना तो हंस के बनाइए, जैसे मैं बनाती हूँ आपके लिए हंस के। ऑयल पूरा बाहर निकल गया है, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और ये इतना अच्छा निकल गया। और वन बाय वन आप डालेंगे तो उसमें ये इतना ही टेस्ट आएगा। अभी मैंने ये मेथी ले रही हूँ, इसको मैंने अच्छे से निचोड़ के और ये मैं एकदम से आपके पत्ते डाल रही हूँ। देखिए, मैंने ये पानी पूरा अच्छे से निचोड़ दिया है मैंने, तो आपको ये पत्ते सारे अच्छे रहेंगे। बहुत ही खट्टा है ये, बहुत ही खट्टी से। 15 दिन तक फ्रिज के अंदर आप बना के रख लोगे तो बहुत ही 15 दिन तक ये रह जाता है, स्टोरेज हो जाता है। ये देखिए, और मैं इसको आपको धीरे से आपको मैं टर्न करना भी दिखा रही हूँ। देखो कितनी सारी सब्जी थी और ये कितनी कम हो गई है। तो देखिए हमारे, इसको हमने ऐसे ही से, देखिए हमारा कितना बढ़िया लग रहा है ये। आप 15 दिन तक स्टोरेज करके खा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। फ्रेंड्स, इसको ढकना नहीं है, ऐसे ही स्लो आंच पे बनाना है, बहुत ही अच्छा रहेगा हमारा। ये पूरा ऑयल बाहर निकल जाना चाहिए हमारा, पत्ता फ्राई होके। तो हमारा समझिए कि हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। इसे देखिए, हमारे इतना नज़दीक हो जाना चाहिए, पूरा उसने अच्छे से छोड़ दिया है, ऑयल भी पूरा बाहर निकल गया है। बहुत ही बढ़िया लग रही है, ऐसे छोड़ने लग जाए तो समझिए बन गई हमारी।
ये देखिए हमारी मिस्टा की चटनी बनके तैयार हो गई। बड़े प्यार से दिखा रही हूँ, देखिए मिस्टा के हैं ये, और ये हमारा बहुत ही अच्छे से बन गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए। और ये हमारी मिस्टा की चटनी बनके तैयार हो गई है। ये चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, आंध्रा में तो बहुत ही फेमस है ये। मैं बताती हूँ, बहुत ही खट्टी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। लहसुन भी डाला है, उसका लहसुन का फ्लेवर आ रहा है बहुत ही अच्छा सा, अदरक का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। आप इसको उबाल के भी बना सकते हैं और बिना उबाल के भी बना सकते हैं। जिसको खट्टा पसंद है वो उबाल के बना सकता है, अगर जिसको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो ऐसे बना सकता है। तो मैंने आपको ज़्यादा खट्टे के लिए बनाया है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को आप लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है।